हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लर्न विद यर सौरभ। फ्रेंड्स, आज के एमएस एक्सेल के इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि अगर हमें एमएस एक्सेल में एक साथ कई सारी वर्कशीट पर काम करना हो तो वो हम कैसे कर सकते हैं। ओके, देखिए हमारे पास यहाँ पे तीन से चार सीट हैं। देखिए हमारा ये मार्कशीट वन हो गया, ये मार्कशीट टू है, ये हमारा मार्कशीट थ्री है और ये हमारा यहाँ पे सीट फोर है। हमारे पास यहाँ पे चार सीट्स हैं। ओके, अब हमें क्या करना है कि हमें चारों सीट्स पे एक साथ काम करना है। ओके, तो वो हम कैसे करेंगे इसके बारे में आज हम जानकारी लेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास यहाँ पे हमारे क्या है, चार सीट है। तो अब हमने क्या करना है, हमने जाना है व्यू टैब पर। ओके, और यहाँ पे हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे न्यू विंडो लिखा है। हमें इसमें क्या करना है, एक सीट हमारी ऑलरेडी ओपन है, हमें यहाँ पे थ्री टाइम्स हम क्या कर देंगे, ओपन इस पे क्लिक कर देंगे। ओके, इसके बाद हम किस पे क्लिक करेंगे, अरेंज ऑल पर। देखिए अरेंज ऑल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए जो विंडो आपका ओपन हुआ है इसमें चार ऑप्शन है, टाइल्ड, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड कैस्केड। इसमें से जो टाइल्ड, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल है ये मेन है जो हमारे यूज होते हैं। चलिए अभी उसको टाइल पर ओके कर देते हैं। देखिए जैसे हमने टाइल पर ओके किया, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे चार सीट्स एक साथ ओपन हो गई है। देखिए ये हमारा मार्कशीट है, ये भी मार्कशीट है, ये भी मार्कशीट है और ये भी मार्कशीट है। अब मान लीजिए हमें एक सीट पर कोई चेंजेस करने हैं, जैसे मान लीजिए सीरीज है इनके इंग्लिश के मार्क्स को हमने करना है 50। देखिए जैसे हम यहाँ पर 50 कर रहे हैं, आप देख सकते हैं कि बाकी की सारी सीट्स में एक साथ यहाँ पे सीरीज का इंग्लिश का मार्क क्या हो गया, 50 हो गया। ओके, तो मान लीजिए इसमें हमने किसी मार्क को रेड करना है, उसको कोई इस टाइप का नोटिफिकेशन देना है, टाइप को उसमें हाईलाइट करना। तो देखिए जैसे हमने इसको हाईलाइट किया, आप देख सकते हैं कि चारों सीट्स पे ये हाईलाइट हो गया है। ऐसे अगर आपने यहाँ से कोई और चेंजेस करने हैं तो आप देख सकते हैं कि एक ही सीट पर चेंज करके आपकी सारी सीट पर वो चेंजेज हो जा रहे हैं। ओके, अब इसमें व्यू टैब नहीं आते हैं। देखिए आप जो अरेंज ऑल है इसमें उससे क्लिक करते हैं, सेकेंड ऑप्शन आपका हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल को सिलेक्ट करते हैं और कर देते हैं ओके। तो हॉरिजॉन्टल को सिलेक्ट करके ओके करने के बाद आप देख सकते हैं कि अभी भी यहाँ पे चार सीट तो ओपन है बट ये हमें विजिबल नहीं है, इस पर हम इजिली वर्क नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपका क्या है, वर्टिकल, वर्टिकल पर क्लिक करते हैं और कर देंगे ओके। देखिए ये वर्टिकल फॉर्मेट में हमारी सीट ओपन होगी, इस पर हम काम कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके डेस्कटॉप का साइज बड़ा है तो आपको ये इजिली विजिबल होगा। मान लीजिए इसमें हमें सिर्फ दो ही सीट पर काम करना है तो क्या करेंगे, यहाँ से दो सीट को क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे ओके। और उसके बाद इसको हम फिर से अरेंज ऑल पर क्लिक करके इसको क्या कर देंगे ओके। तो देखिए हमारी दोनों सीट यहाँ पे साइड बाय साइड ओपन हो गई है। तो ये था फ्रेंड्स आपका एमएस एक्सेल में एक साथ कई सारी वर्कशीट पे काम करने का तरीका। फ्रेंड्स, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो चैनल पर बने रहें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें जिससे आपको आगे भी ऐसी जानकारी मिलती रहे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।